गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक ऐसे सीरीज में जिससे आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे और इससे आपके क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे भी जाते हैं। ध्यान रखिएगा हमारा टॉपिक आज का क्या है। अभी हाल ही में खत्म हुआ जो पेरिस ओलंपिक है, उस पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड आपके जितने जीके के क्वेश्चन या फिर करंट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक बार यहां पर देखते हुए चलेंगे। चलिए तो यहां पर जो ओलंपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, आपके एग्जाम एसएससी हुआ, बैंक हुआ, रेलवे हुआ, चाहे आपके यूपी कांस्टेबल हुआ, चाहे कांस्टेबल के अलावा मैं कह दूं ईएमआरएस एनवीएस, किसी भी तरह के एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं ओलंपिक से रिलेटेड आपके जो जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सारे फैक्ट्स को हम लोग देखते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की। देखिए प्राचीन ओलंपिक खेलों की अगर मैं बात करूं तो प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत बहुत पहले से मानी जाती है, एथेंस में 776 ईसा पूर्व से मानी जाती है। लेकिन ध्यान रखेंगे यहां हमने बात की है किसके, यहां बात आपके आधुनिक ओलंपिक यानी मॉडर्न ओलंपिक की होगी। आधुनिक ओलंपिक जो है ना, उस आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत अगर मैं बताऊं तो वो आपके 1896 में किसके प्रयासों से, तो फ्रांस के एक पियरे डी कुबर्टिन थे, पियरे डी कुबर्टिन, इनके प्रयासों से क्या हुआ था, इनके प्रयासों से ओलंपिक खेल की शुरुआत की गई थी। तो अगर आपसे पूछे कि मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत किसके द्वारा, तो आपका पियरे कुबर्टिन हो जाएगा। और मॉडर्न ओलंपिक में एक बात ध्यान रखिएगा, मॉडर्न ओलंपिक कब शुरू किया गया तो 1896, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं, इतिहास में अब तक कितनी बार ओलंपिक खेल जो है वो ओलंपिक खेल कितनी बार रद्द किया गया है। ध्यान रखेंगे इतिहास में अगर मैं बात करूं तो अब तक 3 बार के ओलंपिक खेल को क्या किया गया है, 3 बार के ओलंपिक खेल को रद्द किया गया है। एक है आपका 1916 का, एक आपका 1916 प्रथम विश्व युद्ध उस समय चल रहा था, दूसरा आपका 1940 का रद्द हुआ था, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध की कगार पे थी, और एक 1944 का। 1916 की अगर मैं बात करूं तो 1916 का आपका बर्लिन का था, ये बर्लिन ओलंपिक, बर्लिन में आप ध्यान रखेंगे जर्मनी बर्लिन, ठीक ना। 1940 में आपका लंदन टोक्यो था, टोक्यो, और ये जो 1944 वाला था ये लंदन ओलंपिक को क्या किया गया था, इन तीनों को रद्द किया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो अब तक 3 बार जो ओलंपिक हुए ना, 3 ओलंपिक रद्द किए गए हैं, 1916, 1940 और 1944, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड में, ओलंपिक फ्लैग में 5 सर्कल में पीला सर्कल, देखो ये ओलंपिक फ्लैग होता है, इसमें आपके 5 छल्ले होते हैं और ये 5ों छल्ले आपस में जुड़े होते हैं, और इनका जो बैकग्राउंड, ये आपका मान लो फ्लैग होता है ना, ये फ्लैग में ये जो आपका बैकग्राउंड होता है, ये बैकग्राउंड जो अगर मैं बात करूं इसके बैकग्राउंड के बारे में, तो इनका बैकग्राउंड व्हाइट कलर का होता है, और ये जो सारे छल्ले होते हैं ना 5, ये 5 आपके 5 कलर को डिनोट करते हैं। अगर मैं बात करूं 5 कलर को, तो अफ्रीका जो होता है वो काला, काला कलर, ब्लैक कलर को अफ्रीका करता है, एशिया जो होता है वो पीला कलर को करता है, यूरोप की अगर मैं बात करूं तो यूरोप जो करता है वो नीले कलर को करता है, यूरोप किसको करता है, नीले कलर को करता है, ये बात ध्यान रखिएगा, नीला कलर को जो करता है वो यूरोप करता है। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया जो होता है, ऑस्ट्रेलिया किसको, हरे कलर को, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बेसिकली इसी में आ जाएंगे, हरे कलर को, और 1, 2, 3, 4 हो गए आपके, 5वां एक कलर बच जाता है आपका कौन सा, लाल, और लाल जो रेड करता है वो दक्षिण और प्लस उत्तरी अमेरिका को करता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक ना। ये 5 कलर होते हैं इनके झंडे में, और झंडे का जो झंडे का जो बैकग्राउंड होता है ना, यानी पृष्ठभूमि जो होती है व्हाइट कलर की होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और फ्रांस में, फ्रांस के पेरिस में कितनी बार ओलंपिक आयोजन हो चुका है, ध्यान रखेंगे अब तक फ्रांस में 3 बार आपके ओलंपिक हो चुके हैं और 3 बार आपके शीतकालीन। देखिए 2 ओलंपिक होते हैं, एक ग्रीष्मकालीन होता है, एक शीतकालीन होता है, ठीक ना। शीतकालीन ओलंपिक की अगर मैं बात करूं तो शीतकालीन ओलंपिक भी 3 बार हुए हैं और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी 3 बार, ध्यान रखिएगा ये आपका 3 बार अब तक आयोजन फ्रांस में किया जा चुका है। 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां होगा, देखो अभी मैं बात करूं तो 2024 का क्या हुआ है, 2024 का आपका पेरिस में होगा, 2028 का आपका कहां होगा, लॉस एंजलिस में होगा, यानी आंसर आपका यही हो जाएगा। 2032 का कहां होगा, तो 2032 का होगा ब्रिस्बेन में,
कहां पे, ब्रिस्बेन में होगा और ब्रिस्बेन आपके ऑस्ट्रेलिया में है, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी अभी 2036 की बोली लगने वाली है, उम्मीद है कि इस बार भारत 2036 की मेजबानी करेगा 2036। 2024 पेरिस ओलंपिक की पदक तालिका में शीर्ष तीन देश, सबसे पहले मैं बताऊं, सबसे पहला देश आपका अमेरिका है जिसने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं, उसके बाद आपका कौन है, उसके बाद आपका चीन है, उसके बाद आपका जापान है, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया है, यानी ये सिर्फ चार देश हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अमेरिका ने 126 पदक जीते हैं टोटल, ठीक ना, अमेरिका ने 126, चीन ने 70 पदक जीते हैं, जापान ने शायद 55 पदक जीते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, अब तक कुल कितने ओलंपिक मेडल भारतीय हॉकी टीम ने जीता है, तो ध्यान रखिएगा, अब तक टोटल अगर मैं बात करूं तो अब तक टोटल इन्होंने 13 जीत रखा है, इन्होंने ये बात ध्यान रखिएगा, 13 जीत रखा है, समझ में आया। चलिए, अगर मैं बात करूं 13 के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि हॉकी का एक गोल्डन पीरियड चल रहा था 1928 से लेकर के आपके 56 तक, यहां पर इन्होंने 6 गोल्ड मेडल लाए, क्या इन्होंने 6 गोल्ड मेडल लाए, कब, 1956 तक। ध्यान रखेंगे 1960 में इन्होंने फिर सिल्वर जीता, 1960 में इन्होंने सिल्वर जीता और 1964 में फिर से इन्होंने गोल्ड जीता, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी आपने देखा यहां पे 6-2-8 हो गए, समझ में आ गया, और आपके 1968, 72 के बाद 2020 और 2024, इसमें इसने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीते, आपने देखा 6-2-8 और यहां पे 4-12 और एक जीता आपके 1980 में गोल्ड मेडल, 1980 में गोल्ड मेडल जीता था, आपने देखा टोटल हो गया 13 पदक, ये 13 पदक टोटल अभी तक हॉकी टीम ने जीता है। स्वतंत्रता के बाद व्यक्तिगत खेलों में 2 पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, व्यक्तिगत में अगर मैं बात करूं तो व्यक्तिगत में आपके अगर खिलाड़ियों की संख्या बात करी जाए तो वो खिलाड़ियों की संख्या आपकी 4 है, कौन कौन से, ये 4 हैं, देखिए, एक तो आपका पहला नाम सुशील कुमार का आता है जो कुश्ती से रिलेटेड है, रेसलिंग से, जो कुश्ती से रिलेटेड है सुशील कुमार, के बाद आपका दूसरा नाम आता है पीवी सिंधु का, पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी है, इन्होंने 2 पदक, एक रियो में जीता फिर टोक्यो में जीता, उसके बाद मैं बात करूंगा किसके बारे में, तो उसके बाद मैं बात करूंगा पीवी सिंधु के बारे, अभी आपने हाल ही में देखा है मनु भाकर के नाम, तो यह भी रिकॉर्ड है कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला या पहली एथलीट भारतीय बनी है, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक है आपके नीरज चोपड़ा, ये भी बात ध्यान रखिएगा, नीरज चोपड़ा, ये आपके 4 पदक, इनको याद रखिएगा, ये सही जवाब आपके हो जाएंगे। चलिए, पेरिस ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ, तो 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक पेरिस ओलंपिक का आयोजन हुआ था। चलिए, पेरिस 2024 ओलंपिक का शुभंकर क्या था, तो ओलंपिक फ्रिज जो है ना, यही पेरिस 2024 ओलंपिक का शुभंकर था, ठीक है। पेरिस ओलंपिक का स्लोगन क्या था, तो गेम्स वाइड ओपन, यही क्या है इसका, यही इसका स्लोगन है, समझ में आया, यही इसका स्लोगन है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेरिस 2024 ओलंपिक में कुल कितने देशों ने भाग लिया, तो कुल देशों की संख्या आपके 206 थी, कुल टोटल अगर देशों की बात करी जाए तो कुल टोटल आपके 206 देशों ने भाग लिया, ये बात ध्यान रखिएगा। पेरिस 2024 ओलंपिक में कुल कितने खेलों का आयोजन किया गया, तो कुल टोटल आपके 32 खेलों का आयोजन किया गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका जो जवाब आ जाएगा, वो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका जवाब आएगा 32 स्पोर्ट्स आपके किए गए हैं। इस बार पेरिस ओलंपिक में कौन सा नया खेल जोड़ा गया है, तो ये ब्रेकिंग है, ब्रेक डांसिंग एक नया खेल जोड़ा गया है, और ध्यान रखिएगा मे भी अगर सब कुछ सही रहा तो अगले ओलंपिक में एक नया खेल जोड़ा जाएगा, क्रिकेट, अगली बार से हमें क्रिकेट भी देखने को मिल सकता है। पेरिस 2024 की ओलंपिक सेरेमनी में
भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? ओलंपिक सेरेमनी की बात हो रही है तो ओलंपिक सेरेमनी में ओपनिंग सेरेमनी में कौन थे? तो ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु और शरत कमल ने क्या किया था? भारतीय ध्वजवाहक यानी फ्लैग वियरर कौन थे? तो फ्लैग वियरर जो थे वो आपके पीवी सिंधु और शरत कमल थे। क्लोजिंग सेरेमनी में अगर मैं बात करूं तो क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर और पीआर श्रीजेस, पीआर श्रीजेस का संबंध हॉकी गोल कीपर से है और मनु भाकर का संबंध शूटिंग से है, ध्यान रखिएगा। पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? भारत ने अगर मैं बताऊं तो भारत ने कुल टोटल 6 मेडल जीते हैं, जिसमें से एक आपका सिल्वर मेडल है, एक आपका सिल्वर मेडल है और 5 आपका ब्रॉन्ज है। 5 आपका क्या है? 5 आपका ब्रॉन्ज है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मनु भाकर ने किस खेल में, किसमें मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में इन्होंने निशानेबाजी में मनु भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो मनु भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है एक का, सॉरी कितने पदक जीता है ना, कौन से पदक जीते? तो दो कान से जीता है, एक तो आपके डबल में जीता है और एक आपका सिंगल में जीता है, ये बात ध्यान रखिएगा। डबल में इन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर के जीता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। स्वप्निल कुशाले, स्वप्निल कुशाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ब्रॉन्ज मेडल किसमें जीता है? इन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता है और ब्रॉन्ज किसमें? तो निशानेबाजी में। इस बार निशानेबाजी में सबसे ज्यादा पदक आए हैं, भारत की तरफ से निशानेबाजी का प्रदर्शन सबसे बढ़िया रहा है। ठीक है, पेरिस 2024 में पुरुष हॉकी टीम ने क्या जीता है? तो पुरुष हॉकी टीम ने लगातार, इसके पहले टोक्यो में भी ब्रॉन्ज जीता था, टोक्यो 2020 में, और टोक्यो ये आपके पेरिस 2024 में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, कांस्य पदक। पेरिस 2024 ओलंपिक में सबसे कम उम्र के ओलंपिक विजेता अमन सहरावत कुश्ती, ध्यान रखेंगे ये भारत के सबसे कम उम्र के क्या हैं, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता है अब तक में, अब तक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के कुल कितने एथलीटों ने भाग लिया? तो भारत के टोटल आपके 117 एथलीट ने भाग लिया था। नीरज चोपड़ा के लिए कौन सा कथन सत्य है? ध्यान रखिएगा, नीरज चोपड़ा का संबंध, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, समझ में आया, गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में। अब इस बार इन्होंने ओलंपिक में टोक्यो गोल्ड मेडल ना जीत करके कौन सा जीता है इन्होंने? तो इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ये बात ध्यान रखिएगा। बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन में, पेरिस 2024 ओलंपिक में सरबजोत सिंह ने किसके साथ मिलकर, ध्यान रखेंगे सरबजोत सिंह ने मनु भाकर के साथ मिलकर के ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी कांस्य पदक जीता है, डबल में भी ये आपका अवार्ड आया है और ये टोटल आपका जो अवार्ड आया है ये निशानेबाजी में आया है, यानी ध्यान रखेंगे शूटिंग में, निशानेबाजी में। ठीक है, 26 नंबर, पेरिस 2024 ओलंपिक में मनु भाकर ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है? एक ही ओलंपिक संस्करण में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, यह बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलंपिक में अब तक भारत ने टोटल, अगर बात करूं मैं तो भारत ने टोटल आपके 41 पदक जीते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। भारत में ओलंपिक में पहला पदक कब और किसने जीता था? तो पहला पदक जो जीता था ना वो पेरिस ओलंपिक में 1900 में नॉर्मन प्रीचर्ड ने जीता था। नॉर्मन प्रीचर्ड पहले आपके भारतीय, भारत के, भारत की तरफ से पहला ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला पदक जीतने का काम जो किया था वो नॉर्मन प्रीचर्ड ने किया था। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला, पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये करणम मल्लेश्वरी है, ध्यान रखेंगे 2000 सिडनी ओलंपिक, 2000 सिडनी ओलंपिक में इन्होंने जीता था। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने किस खेल में टोक्यो में 2020 में स्वर्ण पदक जीता था? 2020 में अगर स्वर्ण पदक की मैं बात करूं तो इन्होंने जीता है भाला फेंक जेवलिन थ्रो, ध्यान रखिएगा अब तक दो स्वर्ण पदक व्यक्तिगत स्पर्धा में आए हैं। व्यक्तिगत स्पर्धा की मैं बात करूं जो एक आदमी सिंगल, सिंगल कंपटीशन में, तो सिंगल कंपटीशन में इससे पहले अगर किसी का स्वर्ण पदक का रिकॉर्ड था तो वो अभिनव बिंद्रा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था व्यक्तिगत स्पर्धा में। दूसरे व्यक्ति आपके ये हुए हैं कौन? नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अब तक ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ओलंपिक की बात करते हैं, ओलंपिक में अब तक भारत की पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में अब तक कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, यह बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन की मैं बात करूं आपके,
कौन सा आपका क्वेश्चन हो जाएगा? स्वर्ण पदक की बात करूंगा मैं, तो 8 स्वर्ण पदक जीता है आपने, देखा होगा 6 वो 1980 वाला और 1964 वाला, ये आपका पूरा अवार्ड जीता इन्होंने 1928 से लेकर के 56 तक 6, 1964 में 1 जीता था और 1980 में 84 में क्या जीता था? 1 आपका जीता था। ये टोटल आपके 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। ओलंपिक खेलों में कुश्ती ने भारत को अब तक 7 पदक दिए हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। ओलंपिक के लिए टोक्यो 2020 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ध्यान रखेंगे, उसमें आपके 7 पदक आए थे जिसमें एक स्वर्ण पदक भी था जो नीरज चोपड़ा ने जीते थे, ध्यान रखेंगे। इस बार काफी निराशा हाथ लगी है, इस बार एक पदक कम रहा, इस बार जैसे कहा जाए ना तो स्वर्ण पदक पे प्रबल दावेदारी माना जा रहा था नीरज चोपड़ा को, लेकिन अरशद नदीम ने उनसे बेहतर परफॉर्म करके भाला उनसे ज्यादा दूर फेंक दिया, तो ध्यान रखेंगे। ये अरशद नदीम ने इस बार भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और यहां पर उनके स्थान पर दूसरा स्थान आया नीरज चोपड़ा का, ध्यान रखिएगा। यही आपके ओलंपिक से क्वेश्चंस रहे हैं, इससे बाहर ओलंपिक से क्वेश्चंस आपके नहीं जाएंगे। इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।